दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले मलेशिया T20 सुपर लीग के बारे में, जो खेला जाएगा NS वर्सेस TO के बीच। समय रहेगा दोपहर के 12:30 बजे। बात करते हैं पहले वेन्यू का। वेन्यू सेम है मलेशिया स्टेडियम पे, मतलब पिच पे हो रहा है। पिच रिपोर्ट विकेट आपको नोटल नहीं मानना है। फर्स्ट इनिंग स्कोर 120 से 160 के बीच देखने को मिलेगा। गाइज आपको बता दो, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहीं से आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो पहले हम बात करते हैं NSS टीम के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं मोहम्मद अमीर अजीम, इनके साथ आते हैं बिरनदीप सिंह। तो पहले हम बात करते हैं मोहम्मद अमीर अजीम के, राइट हैंड बैटिंग करवाता है। रिसेंट का इनका स्टार्टिंग का तो 16 रन 37 रन 45 रन, उसके बाद 17 रन 19 रन, यानी कि दो ही बार टॉप किए हैं, 45 रन 37 रन। एज ए बैट्समैन खेलता है इनको, आप अगर स्मॉल लीग खेल रहे तो इनको मोहम्मद अमीर अजीम को पिक करके चलिएगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं बिरनदीप सिंह, राइट हैंड बैटिंग करवाता है। रिसेंट की इनका स्टार्ट रखिएगा तो 58 रन नॉट आउट 1 विकेट, उसके बाद 38 रन 1 विकेट, मतलब बैट्समैन भी बढ़िया है। उसके बाद 101 रन 1 विकेट 4 ओवर डाल के बॉल भी बढ़िया फेंकता है और रन भी बढ़िया बनाता है। तो आप अगर ग्रैंड लीग खेले तो इनको पिक करके बिरनदीप सिंह को चलिएगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आमिर खान मलिक, राइट हैंड बैटिंग कराता है। राइट हैंड मीडियम पेसर बॉलर है। रिसेंट का इनका स्टार्ट दिखिएगा तो 12 रन नॉट आउट 2 विकेट 3 ओवर डाल के, उसके बाद 5 रन 2 विकेट 4 ओवर डाल के, मतलब बॉलर है, बहुत बढ़िया है। स्मॉल लीग खेले तो आमिर खान मलिक को पिक करके चलिएगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं मोहम्मद इवान मोहम्मद, राइट हैंड बैटिंग करवाता है, विकेटिंग करवा के देगा। तो कुछ खास इनका स्टार्स है नहीं, रिसेंट का देखिएगा तो 19 रन 10 रन 8 रन, मतलब 3 मैच में खेला ही नहीं, एक बार बैटिंग ही नहीं मिला है, एक मैच खेला ही नहीं है, तो आप इनको छोड़ कर चलिएगा इवान मोहम्मद को। अब हम बात करने वाले हैं असलम खान मलिक को, तो इनका भी कुछ खास है नहीं, तो इनको भी हम छोड़ेंगे। उनके बाद हम डायरेक्ट आते हैं मोहम्मद नूर फखर विनद के, ओडिंग इनका स्टेट किएगा तो 6 मैच में 36 रन 6 के एवरेज से 2 ओवर डाल के। रिसेंट का मुकाबला देखिएगा, मतलब तो इनका कुछ खास है नहीं, बैटिंग मिला ही नहीं है, 3 बार इनको बैटिंग नहीं मिला, एक बार बॉलिंग डाले हैं तो 1 विकेट 2 ओवर डाल के 1 रन 1 रन, मतलब कुछ है नहीं। तो इनको हम स्मॉलिंग में एज ए बैट्समैन पिक करेंगे मोहम्मद नूर फखर को। उसके बाद हम बात करने वाले हैं रहीम खान मलिक को, राइट हैंड बैटिंग करवाता है। राइट हैंड मीडियम पेसर बॉलर है। रिसेंट का इनका मुकाबला देखिएगा तो 1 विकेट 2 ओवर डाल के 19 रन 1 विकेट 4 ओवर डाल के 0 रन आउट और 3 विकेट 4 ओवर डाल के, मतलब बहुत ही बढ़िया बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, तो हम इनको ग्रैंड लीग में पिक करके चलेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं रिजवान हैदर, राइट हैंड बैटिंग करवाता है। लेट मीडियम पेसर बॉलर है। रिसेंट का इनका स्टार्ट देखिएगा तो 1 विकेट 4 ओवर डाल के, उसके बाद 4 विकेट 3 ओवर, मतलब 4 बॉलिंग डाल के, उसके बाद 1 विकेट 2 ओवर डाल के इनका चौथा स्टार देखिएगा तो 6 रन 4 विकेट 4 ओवर डाल के, मतलब कभी कभार इनको मतलब ओवर नहीं मिलता है, मतलब जब भी आते हैं 4 का 4 ओवर डालते हैं, तो इनको हम ग्रैंडिंग में पिक करके चलेंगे एज ए बैट्समैन नहीं, मतलब बॉलर है, बहुत बढ़िया रिजवान हैदर, तो इनको हम पिक करेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं विजय उन्नी, राइट हैंड बैटिंग करवाता है। राइट ओवर बॉलिंग है। रिसेंट का इनका स्टार्ट दिखेगा तो 3 विकेट 4 ओवर डाल के 40 रन 1 विकेट 4 ओवर डाल के, कमाल का बैट्समैन है, बैट्समिंग भी बढ़िया करता है, बॉलिंग भी बढ़िया करता है, जब भी आते हैं 4 का 4 ओवर डाल के जाते हैं। तो आप अगर इनको ग्रैंडिंग खेले हैं तो विजय उन्नी को पिक करके चलिएगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं मोहम्मद अफीक, राइट हैंड बैटिंग करवाता है। राइट हैंड मीडियम पेसर बॉलर है। रिसेंट का इनका स्टार्ट दिखिएगा तो पहले वाला मैच में तो इनको बैटिंग मिला ही नहीं है, सेकंड में वाला में देखिएगा तो 3 रन 1 विकेट 2 ओवर डाल के, उसके बाद में थर्ड वाला में देखिएगा तो 4 रन 0 विकेट 2 ही बॉल डाले थे, उसके बाद 1 रन 1 विकेट 2 ओवर डाल के, तो इनको हम स्मॉलिंग में डायरेक्टली पिक करके चलेंगे मोहम्मद अफीक। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नदीम धनजय फरांडो को, मतलब कुछ खास है नहीं, तो इनको हम छोड़ेंगे। स्टार्टिंग के ऊपर आते हैं रिजवान हैदर, आमिर खान मलिक और विजय उन्नी। डेथ पर आते हैं बिरनदीप सिंह, आमिर खान मलिक और रिजवान हैदर। बेंच पे जितने भी प्लेयर हैं उनका नाम में स्टार्ट लिखा, अगर कोई भी ऐसा प्लेयर चेंज होता है तो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो गाइज इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम को, वहीं से आप लोग जुड़ जाइएगा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम पर, क्योंकि फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अब सेकेंड वाला टीम के, यानी कि वो टीम के 7 मैच खेले हैं, 2 बार हारे हैं, मतलब 2 बार विन किए हैं, 5 बार हारे हैं।
तो यानी कि मैच से ही पता चलता है कि 7 मैच खेले तो 2 बार जीते हैं, 5 बार हारे हैं, तो इनका कुछ खास है नहीं, बार बार हारे हैं, 2 ही बार विन किए। तो पहले हम बात करते हैं मोहम्मद गुलजार को। राइट हैंड बैटिंग करवाता है, राइट फास्ट बॉलिंग है। रिसेंट का इनका स्टार्ट देखिएगा तो 4 रन 2 रन, उसके बाद 20 रन 0 विकेट, 28 रन 2 विकेट, दो 3 बार यानी कि टॉप किए हैं। आप अगर ग्रैंडली खेले तो मोहम्मद गुलजार को पिक करके चलिएगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं हसन मसूद, लेफ्ट हैंड बैटिंग करवाता है, लेफ्ट मीडियम पेसर बॉलर है। रिसेंट का इनका स्टार्ट देखिएगा तो 52 रन, उसके बाद 35 रन 5 विकेट, 4 ओवर डाल के यानी कि 4 ही ओवर डाल के 5 विकेट निकाले हैं, 32 रन बनाए थे, मतलब 3 बार टॉप है। तो इनको ग्रैंडलिंग में हम हसन मसूद को पी करके चलें। उसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रशांत पवार, राइट हैंड बैटिंग करवाता है, राइट बॉलिंग बॉलिंग करवाता है। रिसेंट का इनका स्टार्ट देखिएगा तो पहले वाला मैच में 29 रन 1 विकेट 1 ओवर डाल के, 22 रन 2 विकेट 4 ओवर डाल के, उसके बाद 8 रन 2 विकेट 4 ओवर डाल के, तो उसके बाद 23 रन 1 विकेट 4 ओवर डाल के, दोनों में मतलब ये मिला नहीं है, 8 रन में तो विकेट मिला ही नहीं है, उसके बाद नॉट आउट 2 विकेट लिए थे। तो बहुत ही बढ़िया बॉलर है, तुम इनको डायरेक्टली ग्रैंडिंग में पिक करेंगे प्रशांत पवार को। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अरशन सबीर संधू को, लेफ्ट हैंड बैटिंग करवाता है, लेफ्ट बॉलिंग करवाता है। इनका स्टार्ट देखिएगा तो 2 बार टॉप किया, 64 रन 0 विकेट 4 ओवर डाल के, मतलब 4 ओवर डाले थे, विकेट इनको मिला नहीं था, 64 रन बनाए थे, उसके बाद 37 रन 1 विकेट 3 ओवर डाल के, तो इनको हम एज ए बैट्समैन पिक करके चलेगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं अरिफ जमालुद्दीन, इस टीम का कैप्टन भी है, राइट हैंड बैटिंग करवाता है, राइट मीडियम पेसर बॉलर है। रिसेंट का इनका मुकाबला देखिएगा तो 44 रन 16 रन, उसके बाद 25 रन, यानी कि 3 बार टॉप किए हैं। तो एज ए बैट्समैन खेलता है अरिफ जमालुद्दीन, तो इनको हम डायरेक्टली स्मॉल लीग में पिक करेंगे। उसके बाद हम देखिएगा तो मतलब फवाद अली को तो कुछ स्टार्ट सही है नहीं है, तो इनको छोड़िएगा, मतलब रिसेंट का इनका स्टार्ट सही भी नहीं है तो इनको छोड़िएगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं सईद रहमतुल्ला, राइट हैंड बैटिंग करवाता है, विकेट टीम करवा के देगा, तो इनको हम पिक करेंगे स्मॉल लीग। अब हम बात करने वाले हैं इसलिए सद्दम, राइट हैंड बैटिंग करवाता है, राइट हैंड मीडियम पेसर बॉलर है। रिसेंट का इनका स्टार्ट देखिएगा तो 0 रन नॉट आउट 1 विकेट 2 ओवर डाल के, उसके बाद देखिएगा तो 1 रन 4 विकेट 3 ओवर डाल के। थर्ड वाला मुकाबला देखिएगा तो 4 रन 0 विकेट 3 ओवर डाल के। तो आप अगर स्मॉल लीग खेले तो इसलिए सद्दम को पिक करके चलिएगा। अब हम बात करने वाले हैं शुभनी शेख, लेफ्ट हैंड बैटिंग करवाता है, लेफ्ट बॉलिंग करवाता है। रिसेंट का इनका स्टार्ट देखिएगा तो 2 विकेट 1 ओवर 1 बॉलिंग डाल के, उसके बाद देखिएगा तो 1 रन 2 विकेट 4 ओवर डाल के, मतलब बॉलर है, तो इनको हम स्मॉल लीग में शुभनी शेख को पिक करके चलिएगा। विकेट लेने की बहुत उम्मीद रहती है इनमें। उसके बाद हम बात करने वाले हैं विघ्नेश विश्वास, राइट हैंड बैटिंग करवाता है, राइट मीडियम पेसर बॉलर है। रिसेंट का इनका स्टार्ट देखिएगा तो 0 विकेट 2 ओवर डाल के, उसके बाद 2 रन 1 विकेट 2 ओवर डाल के, उसके बाद 5 रन, मतलब कुछ खास प्लेयर है नहीं। रिसेंट का इनका पता चल रहा है कि कुछ खास है नहीं, तो इनको हम छोड़ेंगे और हसन नसीर को भी छोड़ेंगे। स्टार्टिंग के 2 ओवर आते हैं फवाद अली स्ले सदम, देते ओवर आते हैं स्ले सदम, प्रशांत पवार और शुभनी शेख। बेंच पे जितने भी प्लेयर हैं उनका नाम स्टार्ट लिखा, अगर कोई भी ऐसा प्लेयर चेंज होता है मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूँगा। तो गाइज इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहीं से आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो हम बात करते हैं विकेट टीम से, तो बीरेंद्र सिंह रहेगा बैटिंग वाला सेक्शन में देखिएगा तो एच मसूद, उसके बाद मोहम्मद अमीर अजीम, एम गुलजर मतलब मोहम्मद गुलजर। ऑलराउंड वाला सेक्शन में देखिएगा तो बी उन्नी ए सबीर सदन ए सदम। बॉलिंग वाला सेक्शन में देखिएगा तो रहीम खान मलिक, रिजवान हैदर, उसके बाद हम इनको देखिएगा तो हसन निसार, उसके बाद शुभनी शेख। कैप्टन में रहेगा एम गुलजार मतलब मोहम्मद गुलजार। वाइस कप्तान में रहेगा बीरेंद्र सिंह। ये रहा मेरा कम्प्लीटली डेमो टीम, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो गाइस इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहीं से आप लोग टेलीग्राम जुड़ जाइएगा। उम्मीद करता है वीडियो पसंद आया, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।